मां नर्मदा की रक्षा के लिए करीब दो महीने से सत्याग्रह कर रहे नर्मदा मिशन के संस्थापक समर्थ भैयाजी सरकार के समर्थन में बुधवार को जैसे पूरा जबलपुर उमड़ पड़ा, जिसे जो सवारी मिली उसी से वो भैयाजी के समर्थन में निकल पड़े। ग्रामीण अंचल से ट्रैक्टर ट्रॉलियां भरकर उनके समर्थन में जबलपुर पहुंचे। ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबाई लाइन के चलते शहर की सड़कों पर यातायात तक प्रभावित हो गया। वहीं बताया जा रहा है कि करीब 2500 ट्रैक्टर ट्रॉलियों से लोग ग्वारी घाट स्थित प्रसिद्ध घाट पहुंचे, जैसे लोगों में एक जुनून सा सवार था ग्वारी घाट पहुंचने के लिए। समर्थ भैया जी सरकार ने यह बताया कि नर्मदा प्रदेश की जीवन रेखा है और उसके साथ किए जा रहे खिलवाड़ से भविष्य के लिए खतरा पैदा हो गया है। माँ के प्रेमी और भक्त आए हैं। आज ये कोई प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है। समस्त सदगुरु भैया जी सरकार को आज 73 दिन पूरे हो गए हैं अन्न का परित्याग करके माँ नर्मदा के संरक्षण संवर्धन के लिए, गौ माता के संरक्षण संवर्धन के लिए, और उन्होंने अपनी बात और परिवार ने माँ नर्मदा के संरक्षण की, गौ के संरक्षण की बात जवाबदार जिम्मेदारों को बार बार बोध करवाया। व्यथित होकर भैया जी सरकार ने पिछले 73 दिनों से अन्न का परित्याग कर रखा है कि जब तक मान नर्मदा का संरक्षण सरकार सुनिश्चित नहीं करती है, जवाबदार जिम्मेदार सुनिश्चित नहीं करते हैं, तब तक वो अन्न आहार नहीं लेंगे। आज उसी बात से व्यथित होकर पावन भूमि पाटन के और पाटन के आसपास के ग्रामीण लोग बड़ी संख्या बल के साथ यहाँ पर जो है आज भैया जी को समर्थन देने के लिए आए हैं और उनको संबल प्रदान करने आए हैं कि हम आपके साथ इस विचार के साथ हम आपके साथ जो है कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। आज